तारीख 22 सितंबर, समय सुबह 5:50। तभी अचानक से ट्रैक पर रखे एक गैस सिलेंडर पर लोको पायलट की नजर पड़ती है और गुड्स ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोक दिया जाता है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ये वैसे ही साजिश थी जैसे कुछ दिन पहले कालिंदी एक्सप्रेस को लेकर रची गई थी। खबर लगते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस और रेलवे की टीम जांच पड़ताल में जुट गई। रिपोर्ट्स की माने तो ये पूरा मामला दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास का है, जो कानपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर है। लगातार कानपुर नगर की बात की जाए तो इस महीने ये दूसरी ऐसी घटना है जहां पर रेलवे ट्रैक पर एक सिलेंडर रखा गया। पूर्व में जो घटना हुई थी वहां पर एक जो ट्रेन था वो भरा सिलेंडर रखा हुआ था, जो आज लेकिन जो मालगाड़ी के पास जो सिलेंडर मिला है वो एक 5 लीटर का खाली सिलेंडर बताया जा रहा है रेलवे के अनुसार। और लगातार इस प्रकार की घटनाएँ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पिछले 38 दिनों में 5 ऐसी साजिशें हुई हैं जिसमें ट्रेन को पलटाने की साजिश की गई है। तो इस प्रकार की घटनाएँ लगातार पिछले कई दिनों से बढ़ती चली जा रही हैं। और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में इस प्रकार की घटनाएँ लगातार हो रही हैं। पिछले महीने भी एक बड़ी घटना हुई थी कानपुर आउटर में गुजैनी के पास। अभी इसी महीने में बिल्लौर थाना क्षेत्र के सिराजपुर के पास एक घटना हुई थी जिसमें रेलवे ट्रैक पर एक सिलेंडर भरा हुआ रखा था, उसमें भी लोको पायलट और पायलट के सूझबूझ से वो हादसा टला था। और आज फिर सुबह लगभग 5 बजे के आसपास रेलवे के जो पायलट है और लोको पायलट है जो मालगाड़ी लेकर प्रयागराज की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने एक रेलवे ट्रैक पर एक सिलेंडर भरा देखा। उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उतरने के बाद जब वहाँ पास से पहुँचे तो उनको एक सिलेंडर मिला था। इसकी सूचना तत्काल उन्होंने रेलवे के अधिकारियों की थी। सूचना मिलते ही तत्काल रेलवे के जो संबंधित अधिकारी हैं और जीआरपी आरपीएफ की फोर्स मौके पहुंची और जांच पड़ताल में जुड़ गई। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है उसको भी रेलवे के अधिकारियों ने सूचना दी है। अब स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट और जो लोकल इंटेलिजेंस की फोर्स है वो मौके में मौजूद है, रेलवे के अधिकारी मौके में मौजूद हैं, रेलवे के सुरक्षा के जो सुरक्षा बल है वो भी मौजूद है। और अब जाँच पड़ताल करी जा रही है, जाँच में जुटी हुई टीम है कि इस प्रकार के जो हादसे हैं कानपुर में आसपास में कौन से ऐसे लोग हैं जो करते चले जा रहे हैं और ये सिलेंडर रेलवे ट्रैक पर किस प्रकार मौके पर पहुंच गया। तो अब जो फील्ड यूनिट है और डॉग स्क्वाड की जो टीम है लगातार जो रेलवे ट्रैक है उसके आसपास सर्च ऑपरेशन कर रही है और आसपास जो लोकल इंटेलिजेंस की टीम है वो सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने का प्रयास कर रही है। और ये जांच पड़ताल में जुटी हुई है जो फोर्स है और जो लोकल इंटेलिजेंस की फोर्स है जो रेलवे के जो अधिकारी हैं ये पड़ताल में जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से ये सिलेंडर रेलवे ट्रैक तक आया है, उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। और अब आपको ये बताते हैं कि कानपुर में कब कब ट्रेन को डिरेल करने की साजिश रची गई। कानपुर में लगभग एक महीने में 3 घटनाएं। 17 अगस्त साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे हुए थे डिरेल। 8 सितंबर कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक पर रखे एलपीजी गैस से भरे सिलेंडर से टकराई। 22 सितंबर महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा गया। अगर ओवरऑल यूपी के रेल हादसों की बात करें तो पिछले 38 दिनों में ट्रेन पलटाने की ये 5वीं साजिश सामने आई है, जिसने दिल्ली तक रेलवे के बड़े अधिकारियों की टेंशन बढ़ाई हुई है, क्योंकि एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं। अब इन घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है, किसने ये साजिश रची है, फिलहाल इसकी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। जेएमडी न्यूज के लिए कानपुर से दीप त्रिवेदी के साथ सोशल मीडिया डेस्क से श्वेता अग्रवाल की रिपोर्ट।